सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। सबका स्वागत हो गया एक और नई अपने मैजिक स्काई ब्लॉग की वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्यारे से कुछ लवली कमेंटर्स को लवली वाला शाउट आउट। और मैं आज का प्लान बता देता हूँ। आज का प्लान हमारा गाइस ये है कि हमें छोटू सा एक और आइलैंड बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं हमारा प्यारा सा म्यूज़ियम। और हाँ, म्यूज़ियम के अंदर मैं हर एक आर्मर हर एक टूल्स रखने वाला हूँ, ये पूरे हाई पिक्सल का। ये अब पूछना मत कहाँ सा आइडिया है, बट आ गया मेरे को। तो मेरे को जो चीज़ें चाहिए, पहले तो मुझे वो देखना पड़ेगा। मेरे को डर्ट चाहिए, थोड़े बहुत कोबल स्टोन चाहिए। तो गाइज़ वो सब कलेक्ट करने के बाद यार आपसे मिलता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, डर्ट से अपने पूरा आइलैंड बनाने वाले हैं, और उसके बाद जो कोबल स्टोन से स्टोन से जो ब्रिक बनती है, उससे हम लोग उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब करने वाले। तो वो सब करने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। A few moments later. तो गाइस मैंने फाइनली ब्रिज, मैंने सोचा था ऐसा ब्रिज बनाने के बाद ही मैं ये छोटा सा आइलैंड बनाऊंगा। तो मैंने ब्रिज भी बना लिया, साथ ही साथ मैंने आइलैंड भी बना लिया। हाँ, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया, बट यार मैं अगर ये वीडियो में दिखाता तो यार आप लोगों को मज़ा नहीं आती, इसलिए मैंने पहले से ही ये सब करके रख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास सारा सामान है जो जो हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे कि देखो, मैंने स्टोन की ब्रिक्स बना लिया और थोड़ा बहुत और सामान। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि जो पूरी फ्लोरिंग है पूरी की पूरी, तो ये हम बनाने वाले हैं एक ब्लॉक ऊपर। मतलब ये जैसे स्टेयर्स लगाए, तो ऐसे एक ब्लॉक ऊपर रहने वाला है। तो वो मैं इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज वो बनने वाला है स्टोन ब्रिक्स है यार, उससे एकदम अलग ही फील आएगी भाई। तो मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, तो मैं सोच ऐसे अच्छा लगेगा। देखो तो मैंने काउंट जहाँ तक किया है, तो इस पूरे सर्वर के अंदर कम से कम 20 आर्मर है, 23 टूल्स है, मतलब पिकेक्स एक्स एंड स्वॉर्ड को मिलाने के बाद। तो वो हमारे को सभी चाहिए। तो यार इतने के अंदर तो ये पूरा का पूरा सामान आ जाएगा। तो गाइस ये पूरा का पूरा फ्लोरिंग बना मतलब लगाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारी फ्लोरिंग तो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, बट थोड़ा सा और भी ज़्यादा काम बाकी है। जैसे मतलब जैसे हमें बनाना पड़ेगा आर्मर स्टैंड, फिर थोड़ी टूल्स के वो आइटम फ्रेम वगैरह वो बनानी पड़ेगी, और थोड़े बहुत ग्लास भी चाहिए होंगे। बिकॉज़ मैंने सोचा यार मैं इसको शोकेस में रखने वाला हूँ, म्यूज़ियम है, शोकेस में रहेगा, तो यार ग्लास होगा तो ही अच्छा लगता है वो। तो मैं ग्लास के हिसाब से वो करने वाला हूँ। और थोड़ा सा मेरे को फैंस के डोर चाहिए, तो वो ढूंढने वक्त कहाँ चले गए यार। मेरे को थोड़ा बहुत फैंस डोर भी चाहिए, तो मैं वो जो बॉर्डरिंग होने वाली है ब्रिज की, वो फैंस डोर से करने वाला हूँ, तो उसके तरीके से होगा। और एक्चुअली लोकेशन मैंने देखो यार मेरे पोर्टल के पास में ही बनाया है। और गाइस अगर आपने मेरा स्नो मिनियन का देखा नहीं होगा, तो मैंने पूरा स्नो मिनियन का एकदम अलग सा कर दिया है। और ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें मैं लाइव स्ट्रीम में करता रहता हूँ। और अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखते तो बुया ज्वाइन करो यार, बुया के अंदर हूँ मैं, ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं रोज़ लाइव आता हूँ। तो मेरे को जो जो चीज़ें चाहिए थी मैं सब अभी लेके फिर आपसे मैं मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब चीज़ें ले लिया। और मैंने सोचा है कि यहाँ बीच में मैं एक पिलर बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं ऊपर सी लैंटर्न रखूँगा, और जिससे सारी चीज़ें कनेक्टेड होगी। मतलब हर एक रूम कनेक्टेड होगा इससे, तो ये ऐसे रहने वाला है। और यहाँ पर मैं कुछ स्टेयरकेस लगाने वाला हूँ। अरे यार ये कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेयरकेस लगेगी, और इसके ऊपर एक सी लैंटर्न होगा, और यहाँ से ही सारे मतलब रूम्स कनेक्टेड होंगे। तो गाइस सारा रूम बनाने के बाद मिलूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम लेने वाला है मेरा ये, और आप लोगों को भी फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरा ये रूम कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने थोड़ी हेल्प के लिए मैंने मेरे एक दूसरे कज़न ब्रदर को बुला लिया है, तो ये बंदा मेरी हेल्प करने वाला है कि थोड़ा बहुत ग्लासेस बाकी है, थोड़ा आर्मर स्टैंड वगैरह है, थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बाकी है। और मैं कुछ ज़्यादा ही बना रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, करीबन 2 या 3 घंटे हो गए थे। थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग पैसे की करनी पड़ी और वगैरह, पैसे की तो कमी नहीं है, बट यार मैं अपने बैंक वाले पैसे नहीं काट मतलब ले रहा था, बिकॉज यार थोड़ा अच्छा खासा पैसे कट जाते उसमें से। तो मैं अब देख लेता हूँ, मैं 1500 या ऐसा कुछ ले लेता हूँ यार आईने। तो जितने भी आएंगे मैं उतने सब वहाँ पर ही लगाने वाला हूँ। और देखो यार मेरे को नींद भी आ रही है। तो गाइस इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूँ 10 का या तो 20 का, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है।
और आप मुझे खुद भी बताना मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, कमेंट ज़रूर करना ठीक है। और यार अपनी मिथ्स भी कमेंट करो यार, मिथ वाली भी चीज़ें कमेंट करो, मिथ्स भी मैं बनाता हूँ ना इसलिए। और कुछ लकी विनर्स को मैं बिग वाला शाउट आउट दूंगा कमेंट के अंदर। तो हाँ चलते फिर हमारे म्यूज़ियम की तरफ। तो गाइज ये रहा हमारा म्यूज़ियम, आप देख सकते हो यार कितना ओपी लग रहा है। तो अब मैं ये सारे जो ग्लासेस में कुछ लगाना है पूरा, ग्लासेस लगाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ यार, बहुत टाइम लगने वाला है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा टाइम लगेगा, तो मिलता है फिर लगाने के बाद। तो गाइज फाइनली मैंने आर्मर स्टैंड तो लगा दिए, अब बस खाली हमारा आइटम फ्रेम जो लगाने की है वो बाकी है। मैंने काउंट किया था कम से कम 23-20 के आसपास आर्मर्स है हमारे, और 28 जितने हमारे ये आइटम है, मतलब जो भी टूल्स है जैसे पिकैक्स एक्स स्वॉर्ड्स वगैरह जो भी है वो सब उनको मिला के 28 होता है। तो मैंने 28 आइटम फ्रेम्स बना दिए, और हमारे जितने मतलब 23-24 आर्मर्स हैं उनके लिए मैंने आर्मर स्टैंड्स बना लिए। तो अब मेरा एम ये है कि इस सर्वर के अंदर जितने भी आर्मर्स हैं, जितने भी आइटम हैं मतलब टूल्स वगैरह, सब मैं इस म्यूज़ियम के अंदर रखने वाला हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल म्यूज़ियम होने वाला है, कलेक्शन मतलब जो भी समझ लो ये वो होने वाला है। तो मैं इसके अंदर हर चीज़ डालने वाला हूँ। और यहाँ पे हमारा ग्लास रह गया भाई, बिकॉज यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैं सोचा इतना टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़ा बाद में करेंगे। मेरे को नींद भी आ रही है अब, बिकॉज़ यार वीडियो रात को रिकॉर्ड हो रही है तो मुझे नींद आ रही है अब। तो गाइस फाइनली जितना आइटम फ्रेम्स लगानी थी मैंने लगा दिया, 28 जितना, तो पूरा का पूरा लगा दिया है। आर्मर स्टैंड भी जितना चाहिए था मैंने सब के सब लगा दिया यहाँ पे। तो अब गाइस मैं थोड़ा काउंट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 है यहाँ पे है, और आई थिंक सो 15 यहाँ पे थे, हाँ 15 यहाँ पे थे, और वहाँ पे भी काउंट करने पड़ेंगे यार, क्योंकि यार मैंने लगाया तो है पर मेरे को सीरियसली नहीं पता, बट रहने तो यार 28 होंगे, मैंने 28 लगाया तो 28 ही होने वाला है। तो गाइज ऐसी और आगे वीडियोस के अंदर मैं एक एक करके आर्मर्स इसके अंदर ऐड करता जाऊँगा, मैं खुद बनाऊँगा। तो बस गाइज आज की वीडियो यहीं एंड अप करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ही थक लग गई है, बट वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, वी आर रियली क्लोज टू 2K, और कमेंट भी कर देना अपनी कुछ मिथ्स और किसके ऊपर मैं वीडियो, तब तक ले सी यू टाटा बाय।